नाक के 12 आयाम होते हैं। वहां 400 मीटर लंबा सांपनुमा टीला है, जहां जहां प्रत्याहार हुआ नाग वहीं रहते थे। अगर आप 5 इंद्रियों से परे के पहलुओं को जानना चाहते हैं तो आपके आदिशेष को खुलकर चलना शुरू करना होगा। जहां 5 इंद्रियां फेल हो जाती हैं, वहीं से नाक का काम शुरू होता है। भारत में नाग के 12 आयाम हैं जिनकी पूजा की जाती है। ये इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबाला, कारकोटक, अश्वितारा, धृतराष्ट्र, संकपाल, कालिया, तक्षक, पिंगला। ये हैं वो 12 पहलू। ये 12 पहलू कैलेंडर के 12 पहलुओं से भी जुड़े हुए हैं। वही पहलू जिनमें लोग सितारों और उन चीजों को पढ़ते हैं। वाकई दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में आप इसके संकेत और प्रमाण, सांकेतिक प्रमाण देख सकते हैं। पिछले 20,000 सालों में दुनिया भर में ऐसी कई कलाकृतियां बनी हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे सांप ने उन जनजातियों की रहस्यमय यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस से चीन तक, बेशक भारत में, अफ्रीका, मिस्र, ग्रीस, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, हर जगह इसे दर्शाने वाले सांपों के प्रतीक मौजूद हैं। और उत्तरी अमेरिका में हमने पाया कि ओहायो में 400 मीटर लंबा एक सांपनुमा टीला है। ये ओहायो में है, 400 मीटर लंबा, जो कि एक बहुत बड़ी खाई के नज़दीक है, जो या तो किसी छोटे तारे के टकराने या उनके हिसाब से ज़मीन से गैस फटने के कारण बना है। हमें नहीं पता कि वो कैसे बना, लेकिन एक 400 मीटर लंबा मिट्टी से बना एक नाग, एक टीला, एक सांपनुमा टीला। तो दुनिया भर में अलग अलग लोग इस नतीजे तक पहुंचे हैं। इसलिए नहीं कि संस्कृतियों ने दूरियां तय की हैं, हालांकि ऐसा भी हुआ है, पर वजह वो नहीं है कि ऐसा हुआ है। जिस भी जगह लोगों ने 5 इंद्रियों से परे कुछ समझा है, जहां भी लोगों ने ज्यादातर समय आंखें बंद करके बिताया है, यानी मूल रूप से प्रत्याहार किया है। प्रत्याहार यानी आपने इंद्रियों को खुद में समेट लिया है। जहां जहां प्रत्याहार हुआ है, जहां जहां इंद्रियों को खुद में समेट लिया गया, वहां वहां नाग रहते थे। वहां लोगों ने विकास की प्रक्रिया के उस शेष बचे हिस्से के आयाम के महत्व को पहचाना, जो विकास के साथ साथ हमारे अंदर बचा रह जाता है, और कैसे हम उसे सक्रिय कर सकते हैं, और कैसे ये हमें हमारी इंद्रियों की सीमाओं से परे ले जाकर हमारे विकास की एक प्रक्रिया बन सकता है। शिव के गले के चारों ओर जो सांप है, वो वासुकी कहलाता है। But the Vishnu's snake is referred to as Shesha. लेकिन विष्णु के सांप को शेष कहा जाता है। अगर आप ये ना जानते हो, आप में से वो लोग जिनको दक्षिण भारत की लोकल भाषाओं में शुरुआती स्कूली शिक्षा मिली है, अगर आपने ये पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि तमिल में क्या शब्द है, पर तेलुगु और कन्नड़ में अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, शेष यानी रिमाइंडर, मैथमेटिक्स में ये एक सामान्य चीज है, शेष, तो उसी शब्द को यहां प्रयोग में लाया गया है, यानी शेष, क्योंकि ये सांप या यही नाग उस चीज का प्रतीक है जो हमेशा शेष रह जाता है। जब एक सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब कुछ चीजें रह जाती हैं, या एक खास मूलभूत पहलू रह जाता है जो एक बार फिर से दूसरी सृष्टि में अंकुरित होता है। तो ये वही शेष है जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं, यानी जब वो विश्राम कर रहे हैं, जब पालन पोषण के लिए कोई सृष्टि नहीं है, तब वो शेष पर विश्राम कर रहे हैं। वो जो बचा रह गया है, आदिशेष नाग खुलता है और समय आगे बढ़ता है। यही
इसकी पौराणिक कथा है। इसका मतलब है ये पिछली सृष्टि का जो बचा हुआ हिस्सा है वो जो बचा रहता है और जब वो उठ खड़ा होता है तो उसे आदिशेष कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराना शेष है जो बचा हुआ है। और उठ खड़े होने का मतलब है एक नए ब्रह्मांड की रचना होने को है। तो ये जीवन का एक बहुत गहरा पहलू है जिसे प्रतीकों की मदद से व्यक्त किया गया है। तो आज नागर पंचमी या नाग पंचमी है जो कि इन चीजों का प्रतीक है। श्रावण के महीने के पांचवें दिन ये वही दिन है जो कि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी भौतिकता के परे, अपनी इंद्रियों से परे अपने जीवन को भेद कर जानना चाहते हैं। ये केवल अनुभव करने की बात नहीं है या आत्मज्ञान की या मुक्ति पाने की बात नहीं है, ये जानने के बारे में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो शायद हर कोई जानना नहीं चाहता, जो कि ठीक है। कुछ लोग बस मुक्त हो जाना चाहते हैं, उनको जानने से कोई मतलब नहीं है, वो भी ठीक है। पर वो जो जानना चाहते हैं उनके लिए उनके अंदर विकास की प्रक्रिया का ये शेष रहने वाला पहलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये वाकई काम नहीं करता। चाहे आप सांपों के प्रतीक को समझें या न समझें, लेकिन आपको उस आयाम में जान डालनी पड़ेगी। Your adishesha has to begin to uncoil and move. आपके आदिशेष को खुलकर चलना होगा अगर आप पांच इंद्रियों से परे के पहलुओं को जानना चाहते हैं, वो पहलू जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। नाग उस आयाम को दर्शाता है जिसका बोध इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि योग संस्कृति में नागों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखिए, आदि योगी अपने गले में एक नाग को धारण किया करते हैं, क्योंकि ये आपके उस पहलू को दर्शाता है जहां आप किसी चीज को समझ पाते हैं जबकि आपकी इंद्रियां नहीं समझ पाती। जहां पांचों इंद्रियां फेल हो जाती हैं वहां नाग का काम शुरू होता है।